कृष्ण को उस सुदामा ने माला पहना दी, भगवान ने उन्हें भक्ति दे दी। अब एक और थी वहां कंस की दासी, नाम है कुबजा, जिसका काम है कंस को एवरीडे चंदन लगाना। आज जब कृष्ण को देखा तो मन हो गया कि उस पापी को तो रोज चंदन लगाया है, अगर आज इनको चंदन लगा दिया जाए तो अपना भी कल्याण हो जाए। मन हो गया, इच्छा हो गई। दुनिया के लिए काम करना इट्स नॉट बिग डील, इट्स वेरी सिंपल माय डियर। दुनिया के लिए तो सब काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम क्या है? जब आप भगवान के लिए काम करते हो, जब आप अपनी आत्मा के लिए काम करते हो, जब आप अपने धर्म के लिए काम करते हो, जब आप अपने देश के लिए काम करते हो। तीन चीजें, देश, धर्म और खुद के लिए। खुद के लिए, सिर्फ शरीर के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए तुम्हारा धर्म ही करेगा। धर्म के लिए तुम क्या करते हो वो सोचो, देश के लिए तुम क्या करते हो वो सोचो। अगर देश, धर्म और सोसाइटी के लिए तुम कुछ नहीं कर सके तो आई एम सॉरी टू से, अपने लिए करके तो तमाम पशु भी मर गए और हम भी मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपने देश धर्म के लिए कुछ करो। तो इसी से सीखो। कुबजा ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार कृष्ण को चंदन लगाना है। और कृष्ण को चंदन लगाने के लिए कुबजा गई। अब बलराम जी बोले, भैया इसको क्या दोगे? कृष्ण बोले, आप बताओ भैया मैंने क्या दूं? बोले, एक काम करो ना, ये बहुत जगह से टेढ़ी है, इसे सीधी कर दो, बूढ़ी है, टेढ़ी है। तो कन्हैया ने उस कुबजा से हाथ लगाया और जैसे ही कर कमल का स्पर्श हुआ, वो 60 साल की बुढ़िया स्वीट 16 हो गई, 16 साल की सुंदर जवान हो गई। अब बताओ इस दुनिया में कोई कर सकता है तुम्हें जवान? किसी के बुढ़ापे को कोई जवान कर सकता है? बताओ, कर सकता है? कन्हैया ने किया। अब कृष्ण जवान करके जाने लगे, कुबजा ने हाथ पकड़ लिया, जी कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हैं मतलब? एक तो तू जवान कर दे, सुंदर कर दे, टीढ़ी खूबड़ी थी तू, अब तू जवान कर दे, अब हमारा हाथ भी पकड़ रही है। बोले, महाराज जब जवानी आपने दई है तो अब ये सेवा में भी आपकी ही लगेगी, दुनिया की सेवा नहीं करेंगे अब हम आप ही की सेवा करेंगे। क्यों? कि आपने दी है तो आप ही की सेवा करेंगे ना। अब आप चलो महल में, हम आपकी सेवा करेंगे। कन्हैया बोले, चिंता मत करे, तेरी भावना पूरी करेंगे, पहले मामा है देखे हमें, हम ये मामा से लिटाया हमें। तो जाके कृष्ण ने पहले कंस को मारा, कंस को मारकर देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया, उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त करके वहां का राजा बनाया। और राजा बनाने के बाद में सब ब्रजवासियों को उम्मीद थी कि शायद अब कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण मथुरा से ब्रज में वापस नहीं गए। एक बात बहुत छोटे रूप में गोपियों के और ब्रजवासियों के प्रेम की मैं कहना चाहूंगा, मथुरा से वृंदावन बरसाना ये सब, मथुरा से कोई भी गांव 100 किलोमीटर की दूरी पे नहीं है, पूरे ब्रज में चारों तरफ से। वृंदावन 10 किलोमीटर दूर है, गोकुल 20-25 किलोमीटर दूर है, नंदगाम ज्यादा ज्यादा 30-40 किलोमीटर होगा। और उन दिनों में ये दूरियां बहुत ज्यादा नहीं होती थी। सब ब्रजवासी अपने घर में बैठ बैठ कर कृष्ण की याद में रोते हैं, लेकिन कृष्ण से मिलने मथुरा कोई नहीं गया। क्यों? ये कैसा प्रेम है? अगर प्रेम करते हो तुम, रोते हो तो जाके मिल लो। बोले नहीं, ब्रजवासी सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से हमारे कृष्ण को लोग हंसी न करें, उसका उपहास न करें, इसलिए हम नहीं जाएंगे, हम तेरी याद में यहीं रोएंगे, अगर तेरा मन करे तो तू आना, हम तेरा इंतजार करेंगे, अंतिम श्वास तक इंतजार करेंगे।